साइंसदानों के मुताबिक आज से करीब 34,000 करोड़ साल पहले हमारी जमीन की कोर पूरी तरह से मोल्टियन हुआ करती थी, लेकिन पिछले कई हजार सालों से जिस तरह जमीन की कोर चेंज हुई है, इसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में इसकी कोर पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगी, जो हमारे लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। दोस्तों, जब बात जमीन की कोर की होती है तो वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमें रेडिएशन से बचाती है, उसकी क्रिएशन जमीन की कोर ही करती है। जमीन की इनर कोर में मौजूद हीट आउटर कोर से होती हुई मेंटल तक ट्रांसफर होती है। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में आउटर कोर लिक्विड मेटल का एक करंट बनाती है। इसके बाद लिक्विड मेटल का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करके उसे स्पेस में फैला देता है, ताकि जमीन के लिए जरूरी मैग्नेटिक फील्ड बन सके। अगर जमीन की कोर मुकम्मल तौर पर फ्रीज हो गई, तो इसकी आउटर कोर में कोई भी करंट मौजूद नहीं होगा। इसके साथ ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी अपना वजूद खो देगी। फिर हम चाह कर भी सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से खुद को सेफ नहीं कर पाएंगे, और देखते ही देखते सूरज हमारे लिए जानलेवा साबित होगा। ऐसा ही कुछ हाल पौधों का भी होगा, क्योंकि वो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को झेल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमें जमीन पर रहते हुए एलियन प्लेनेट की तरह प्रोटेक्टेड हाउस में सब्जियां और फल उगाने होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बगैर मैग्नेटिक फील्ड के हमारी जमीन बिल्कुल मार्स की तरह नजर आने लगेगी, जहां ना पानी होगा और ना ही एटमॉस्फेयर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस खतरनाक कंडीशन से खुद को बचाने के लिए आप स्पेस शिप्स में बैठकर सोलर सिस्टम के किसी दूसरे प्लेनेट पर चले जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दूसरे प्लेनेट्स की कंडीशन भी हमारी जमीन की तरह ही होगी, जिसकी वजह से हमें दुनिया को बचाने के लिए अपने दिमाग का फ्यूल यूज करके जमीन की कोर को फिर से गर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या इस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इससे पहले हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर फ्रीज होने से पहले जमीन की कोर इतनी ज्यादा हॉट कैसे बनी थी। इसकी तीन रीजंस हैं। पहली रीजन ये है कि जमीन की फॉर्मेशन के बाद बचने वाली हीट दरअसल एक वक्त पर सिर्फ एक टाइनी कोर हुआ करती थी, लेकिन अपने आप में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल कलेक्ट करके वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई, और जब भी बढ़ती हुई जमीन के साथ कोई न्यू मटेरियल जुड़ता था तो उससे बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट होती थी, जो कोर के अंदर फंस जाती थी। दूसरी रीजन के मुताबिक जमीन के पास फ्रैक्शनल हीट नाम का अपना टोस्ट इनर टेम्परेचर होता है, क्योंकि जब जमीन की फॉर्मेशन हुई थी तो वो ग्रेविटेशनल शूटिंग से होती हुई गुजरी थी, जिसमें आयरन और निकल के साथ बहुत से डेंस पार्ट्स जमीन के सेंटर में जमा हो गए थे, जबकि पानी और ऑक्सीजन जैसी चीजें बाहर तैरने लगी थी, जिसकी वजह से न सिर्फ फ्रिक्शन क्रिएट हुई थी बल्कि हीट भी जनरेट हुई थी। इन दोनों रीजन के अलावा कोर के इतने ज्यादा हीट अप होने की मेन रीजन रेडियो एक्टिव डिके था, क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जमीन के मेंटल में डिके होते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है, जिसकी वजह से कोर गर्म रहती है। ये सच्चाई है कि अब हम इन तीनों रीजंस में बताई गई किसी भी चीज को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना नामुमकिन है, जिसकी वजह से कोर को रीहीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड बचा है, जिसके अकॉर्डिंग हमें जमीन के मेंटल में और भी ज्यादा रेडिएशन ऐड करनी होगी। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए हमें जमीन में ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे गहरा सुराख करना होगा। साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसा होल समंदर के नीचे आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ की क्रस्ट लैंड के मुकाबले में ज्यादा पतली होती है। वैसे ऐसा होल बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर किसी भी तरह हम इंसानों ने ऐसा कर लिया तो हमारे लिए ये किसी बहुत बड़े कारनामे से कम नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हमें मेंटल को बहुत ज्यादा तादाद में पोटाशियम, यूरेनियम और थोरियम से भरना होगा। इसके बाद ये एलिमेंट्स मेंटल के अंदर डिके होकर बहुत ज्यादा हीट जनरेट करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि इस मेथड के बाद रेडियो एक्टिव डिके से निकली हुई सारी हीट आउटर कोर और इनर कोर में नहीं जाती, बल्कि मेंटल में ही रह जाती है, जिसकी वजह से हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होती। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए हमें जमीन की आउटर कोर को मेल्ट करना होगा। ये उस वक्त पॉसिबल हो सकता है जब हम आउटर कोर तक एक बड़ा सा होल न बनाए। इसकी गहराई तकरीबन 2900 किलोमीटर होगी। इतनी ज्यादा गहराई तक जाने के लिए हमें एक अल्ट्रा हाई एनर्जी प्रैक्टिकल एक्सेलरेटर बनाना होगा, जो सूरज की पावर को होल्ड करके सारी एनर्जी जमीन की आउटर कोर तक पंप करेगा। जैसे ही आउटर कोर रीहीट होगी तो उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी। आपको ये सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जिस तरह का प्रेशर आउटर और इनर कोर जनरेट करता है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि हमारा बनाया हुआ मजबूत से मजबूत पार्टिकल एक्सेलरेटर भी इतनी गहराई
गहराई में जाने के बाद कोलैप्स हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बात साबित होती है कि जमीन की कोर फ्रीज होने के बाद हम सब लोग मर जाएंगे। लेकिन आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक जमीन की कोर को पूरी तरह से फ्रीज होने में 91 बिलियन साल लग जाएंगे, यानी कि 91 बिलियन ईयर्स, और उस वक्त तक तो हम इंसान वैसे भी जिंदा नहीं बचेंगे। तो तब तक आप सब लोग चिल करें। आपके इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।